वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। ते दर्शको, इस समय आप सारे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर दे विच साडे सिख समाज दे विच वो अग भड़की हुई है, जिन्नी देर इस अग नू एक दुरुस्त तरीके दे नाल ठल नहीं ना पौंदी पाई जाएगी, तो यह अग जिस तरह के नाल साडे जज्बातां दी अग है, यह कोई असीं यह नहीं कह सकते कि यह एवें किसी की भकी हुई चिंगारी है, साडे जज्बातां दी अग है। पता नहीं कश्मीर का सिख किदों तों अपने जज्बातां ते काबू पा के बैठा होया है, की चल रहा है। और इस समय कश्मीर का सिख ही नहीं, उन्होंने नाल नाल जम्मू दे विच जिहड़ा वसदा सिख भाईचारा, पूरे वर्ल्ड वाइड जिन्ना भी साडा सिख भाईचारा वसदा, इस समय दुख है। दुख दे नाल नाल जज्बात भी ने, गुस्सा भी है। जो भी घटना वापरी है, भैन सुपिंकार नहीं रही है, वो उन्होंने हत्या की गई है। उन्होंने एक कुछ ऐसे लोगों के राही जिन्हों का ना कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई उन्होंने कोई धर्म है, उन्होंने राही हत्या की गई है। उन्होंने हत्या लैके असं हत्या शहीदी करार दिने, क्योंकि साढ़े लिए एक मिसाल बन के गई है, साड़ी सानू यूनाइट किया है कि अज जो मेरे नाल होया, उस बच्ची दे नाल होया, उस भैन दे नाल होया, बच्चे दे नाल होया, किसी होर दे नाल ना होवे, इस करके यूनाइट हो जाओ, अपनी आवाज नू जोरदार बुलंद तरीके दे नाल चकिए। तो यह तुसी लाइव तस्वीरां वेख रहे हो कि हर एक जिथे भी सिख वसदा है, जो कश्मीरी पंडित हिंदू वीर है दीपक चंद, ओनू लैके भी सारियां दे विच बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि किसे दे घर दा चिराग भी चला गया वा, एक फैमिली नू दे उपर की बीत रही है, वो परिवार दस सकदा। तुसी लाइव तस्वीर जिहड़ी वेख रहे हो, इस समय कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा सिंह सभा गोल गुजराल मुंशी चक वालों, उतों दे सिख भाईचारे दे वालों, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा इकट्ठे जिहड़े कैंडल मार्च कढ़िया जा रहे उन्हां दे राही लाइव तस्वीर जी तो वेखते हैं। साडे संवाददाता जिहड़े साडे साथी ने भैन जसलीन कौर, उतों सानू लाइव तस्वीर विखाउणगे। बिल्कुल रमन जी, जो तुसी इस वक्त तस्वीरां देख रहे हो, एक गुरुद्वारा सिंह सभा मुंशी चक वालू जो है, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालू जो है कढ़िया गया, और साफ तौर पर तुसी देख सकते हो कि इत्थे इस वक्त एक कैंडल मार्च जो है निकाली गई, क्योंकि लगातार जिस तरह कश्मीर विच इनोसेंट सी किलिंग हो रही है, उस तों बाद लगातार लोगों विच काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है, और उस तों लेकर जो है उन्होंने शांति दी करके जो है आत्मा दी, अज तुसी देख सकते हो कि इत्थे गुरुद्वारे वालों जो है एक कैंडल मार्च जो है निकाली गई है, और इत्थे साडे बड़े वीर भैन जो है इस वक्त इस कैंडल मार्च विच मौजूद हैं, और उन्होंने राही भी असीं जानना चाहेंगे कि के कुछ जो है। जी वीर जी, इस जो आज का जो कैंडल मार्च है इसके बारे विच, कल जो इनोसेंट डेथ हुई है और उसके बारे में हम ये कैंडल मार्च आज निकाला गया है, जिसमें सतेंद्र कौर और दीपक चंद जी दो हमारे शहीद हो गए हैं वहां पर श्रीनगर में, उसके बारे में ये जो कैंडल मार्च है वो निकाला गया है। लेकिन ये हम गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लेकर बैठे हुए हैं, तिरंगा झंडा, उनकी अगर हिफाजत नहीं कर सकते हो तो आपको, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट में रहने का कोई हक नहीं है, और या तो ये इनकी खुद की ये जो हरकत कराई है कि भाई इनको हम ऐसे करें वैसे करें, कोई लखीमपुर वाला हो गया कांड है, उन कांड से ये जोड़ा जाता है, कोई कहीं भी जोड़ा जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार है और यहाँ पर वो लोग बगैर किसी के लालच के, और ना उनको कोई गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, ना कोई फैसिलिटी दे रही है, ना उनको कोई किसी किस्म की ये कवरिंग दे रही है कि उनकी सहूलत की जाए, ताकि उनका कोई शोर साफ उतना किया जाए, सिक्योरिटी है नहीं इनकी। और हम ये चाहते हैं कि ये जो किलिंग शुरू हुई आज दो तीन दिन से, और ये किलिंग आगे भी अगर चलती रही तो वो छत्तीस सिंह पूरा वाला काम ना हो जाए, जब छत्तीस सिंह इन्होंने शहीद किए थे वहां पर, इसलिए हम ये चाहते हैं। याद ये गवर्नमेंट इसको अभी तक तो इन्होंने कोई आइडेंटिफाई नहीं की है कि किस ये, और सबसे पहले ये लोकल है मिलिटेंट, जिनको ये हर महीने ये तनख्वाह देते हैं, और वही लोग निकले हैं जो पुलिस में इन लोगों ने भर्ती किए हुए हैं, वही अपनी पुलिस के बेस में आते हैं और इनको मारकर चल जाते हैं।
ये गवर्नमेंट अगर पहले तो ये देखे कि ये लोग जो भर्ती कर रहे हैं ये कौन लोग हैं, उनको बोलते हैं इनको दे दो पैकेज दे दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो, वही तो निकलते हैं, वही मिलिटेंट है। और अगर जो वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लेकर बैठे हुए हैं उनको तो मेरे ख्याल में एक किलो राशन भी नहीं देकर ये देते हैं। इसलिए हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसको किया जाए, और खास करके वहां पर जो हिंदुस्तान के झंडा लेकर बैठे हुए हैं उनको पूरी सहूलत दी जाए, और खास करके उन लोगों को पूरी सहूलत दी जाए और सिक्योरिटी भी दी जाए। जी बिल्कुल वीर जी, जेकर गल कीती जावे कि अज तो पहले इकबानी जिहड़ा चैनल असीं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि असीं जिहड़ी अज जिहड़ी आपणी जिहड़ी साडे जिहड़े सिनर जिहड़े शहीद होए दो परिवार जिहड़े इक सुपिंदर कौर ते दीपक चंद, ये बहुत ही जी शर्मनाक घटना है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए सी, क्योंकि ये एक साढ़े एक टीचर सन जो शिक्षकों बच्चों पढ़ाते सन, ये बहुत ही जानी कि बहुत ही शर्म की गल है इस घटना। असं ये गवर्नमेंट को भी साढ़े इलेक्टेड असं गवर्नर भी अपील करते हैं कि जो इस तरह के जो इस तरह की घटना होंगी प्लीज इन्हों रोकया जाए, ताकि यह ना है कि कोई बड़ा हादसा जाए या कोई बड़ा कोई ऐसा कोई और टू ज़्यादा कोई कारनामा जाए, क्योंकि साड़ी ये गवर्नमेंट को साड़ी रिक्वेस्ट है कि इस जल्द तो जल्द जो हत्या जो दोषी हैं उन्होंने सुझा दी जाए बस, और असी उससे उन्होंने दोनों के जो शहीद हैं उन्होंने असी याद दस असी एक कैंडल मार्च कही है कि परमात्मा उन्होंने एक उन्होंने अपने चरणों निवास बख्शे। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुंशी चाकी के प्रबंधकों की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला गया, वो यहाँ घराट से शुरू होकर गुरुद्वारा में पहुंचा है। इसमें बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि एक निहत्ते और एक औरत पर इन्होंने हाथ उठाया, उसको किलिंग कर दी, उसके साथ दीपक चंद को भी इन्होंने मार गिराया और चिन्हित करके स्कूल से निकाल कर दिखाया भाई कौन से जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको बाहर निकालो, उनको निकाल कर कमरे में जाकर उनकी फायरिंग करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। ये पिछले हफ्ते से ये काम चल रहा है। हमें सुनने में आया है कि जितने भी मुलाजिम थे वो सब पहले होटलों में रहते थे, आजकल वो होटल खाली करवा लिए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, इनकी सेफ्टी रखनी है, इनका लिहाज भी रखना है, इनका बचाव भी रखना है, क्योंकि वहाँ मिलिटेंसी है। और इस कारण खासकर जो ये पहले बार इन्होंने उठाया है कि गैर मुस्लिम उठाकर बाहर निकाल कर उनको मार दिया, मुझे शक है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के भी जो जवान हैं उन्हें भी इनको खास कर देखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग कौन लोग हैं और एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और आधा घंटा वो तांडव नाच करके वो दो हत्या करके निकल जाते हैं, कोई सिक्योरिटी का आदमी उनको पीछे नहीं किया, उनके पीछे उनका पीछा नहीं किया और ना ही अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को चिन्हित करके घर घर जाकर इनकी तलाशी ली जाए कि ये कौन लोग हैं जो हमारे भाईचारे को बदनाम करना चाहते हैं, और खासकर इस दौर में जबकि 370 तोड़ दी 35 तोड़ दी, हमने सोचा था कि कहीं इससे हमारे जम्मू कश्मीर के हालात जो है सुधरेंगे, वरना उससे ज्यादा अवतर हो रहे हैं। मैं LG से दोबारा अपील करता हूं कि इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और खासकर मैं वाहेगुरु से दुआ मांगता हूं कि ये जो डिपार्टेड सोल हैं जो जिनकी जाने गई हैं इनकी वाहेगुरु अपने चरणों में निवास स्थान बख्शे। जय हिंद। ते रमन जी, जिस तरह तुसी सुनिया होगा कि इधर दे लोगों का की कुछ कहना सी, और जिस तरह काफी ज्यादा रोष जो है तुसी देख सकते हो कि लोगों के बीच है, और क्योंकि जिस तरह लगातार इस तरह इनोसेंट की किलिंग्स जो है की जा रही है, तो विजुअल स्लाइड तुसी इस वक्त जो है गुरुद्वारा सिंह सभा मुंशी चक वालू जो है देख रहे हो, जो गुरुद्वारे तक जो है एक छोटी जी कैंडल मार्च जो है उन डिपार्टेड सोल्स की करके जो है इतने निकाली गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल जसलीन कौर जी, जिस तरह गल की जाए कि इस समय जेकर अज कश्मीर दे एक भैन दे नाल कश्मीर दे विच अपनी सेवा दे रहे एक दीपक चंद वीर दे नाल होया है, तां जेकर अज ओ आवाज नहीं चुकी जाएगी तां अगा उन्हां नूं होर शह मिलदी है कि एक घटना शायद साडे परिवार च भी हो सकदी है।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਔਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਗ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੀ ਜੋ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚੱਕ ਤੋਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਸੁਖਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਰਮਨ ਮੈਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਲੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰ ਇਥੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਲੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ
कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ भैन सन ओह और समाज दे विच बहुत काम नेचर दे विच विचरदे सन बहुत शीत ठंडे सुभा दे सन लेकिन इस तरह दे नाल निहत्ते उते वार करना तो बिल्कुल कायरता दी निशानियां ने बिल्कुल क्योंकि जो तस्वीरां भी असीं पहले भी वेखी सन उहदे च भी साफ तौर विच असीं देखिया सी कि जो इन्हां दी मदर इन लॉ जो कि इन्हां दी जो है सासू मान सन वो किस तरह ए आवाज जो है अपनी कह रहे सन कि मेरी इस नूं दी गलती सी या इसका क्या कसूर सी जो इस दे नाल जो है इस तरह होया है बिल्कुल बिल्कुल अज इस समय हर एक वर्ग परेशान है सोच दे विच डुब्या होया कि ये होया की है और हर एक दे ज़हन दे विच एक ही आवाज है कि सानू जवाब चाहिए जल्द तो जल्द जिन्ने भी अगर साडे भाईचारे नूं खराब करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने कुछ शरारती अंसरां दे राहीं जिवें मैं पहलां भी कहा कि उन्हां लोकां दा कोई धर्म नहीं हुंदा क्योंकि धर्म कोई भी नहीं सिखाउंदा कि किसे निहत्थे दे उत्ते किसे बेकसूर दे उत्ते वार करो तां इन्हां निहत्थिआं ते बेकसूरां दे उत्ते वार कीता गिआ उन्हां दी जान लई गई है उन्हां लोकां दा कोई दीन धर्म मजहब नहीं है प्रशासन तों वी सारे खिताब लगा रहे ने कि नाले इन्हां दे परिवारां नूं इंसाफ मिले नाले जिहड़ी आउण वाली जनरेशन आ चंगा करके जाइए ता जो जो कंडे साडे लई लोग बीजे हुए ने असी भुगत रहे हैं देणो साडी आने वाली पीढ़ी ना भुगते और कश्मीर दा नौजवान बहुत परेशान है सब